जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। आज हम बात करने वाले हैं केवल एक बात, जो बात अगर आप जान जाएंगे उसके बाद शायद आपको कुछ जानना जरूरी नहीं रहेगा। हम बहुत से एस्ट्रो चीज़ें पढ़ लेते हैं, बहुत सी चीज़ें जान लेते हैं, और उसके बाद उसमें जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो हमारे मन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। वो सही है, वो गलत है, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। लेकिन होता यह है कि उसका प्रभाव तो आंशिक होता है, या जो भी प्रभाव होता है, लेकिन हमारे मन में जो धारणा बना लेते हैं वो प्रभाव को दोगुना कर देता है। तो पहली बात कह देना चाहता हूँ कि उस धारणा को केवल और केवल एक सूचना के तौर पर रखें, जो अच्छी और पॉजिटिव बात है उसे अपने इसमें ऐड करके रखें, उन्हें उस पर काम करें, और जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको केवल सूचना के तौर पर ध्यान रखें, ना कि उसको दिमाग में इतना ले ले कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो आप में नेगेटिविटी बढ़ेगी और कोई भी काम जो उस काम में आप लग रहे हैं वो सफलता नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, तो इस विषय पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है। बहुत से लोगों को थोड़ा सा आंशिक चीजें बताई जाती हैं, उन पर आप इतना गंभीर हो जाते हैं। इतना लोड नहीं लेना है, जितनी चीजें हैं अपनी जगह है, ईश्वर है, सब हमारे पक्ष में है। हम ईश्वर का नाम लेंगे तो कितना भी बड़ा योग होगा, कितना भी घातक कोई सा भी योग होगा या कोई खराब योग होगा तो वो कट जाएगा। तो ईश्वर का स्मरण कर दे रहे हैं। सकारात्मकता बहुत बड़ा मंत्र है दोस्तों। अगर आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना सकारात्मक रहेंगे, उतना ये ओवर कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव होने में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप कर्म करने में इच्छा रखेंगे, फल की चिंता ना करेंगे। पॉजिटिविटी का वो मतलब है आप किसी भी चीज़ में कर्म करेंगे, लेकिन सही तरीके से करेंगे, सही रास्ते पर करेंगे, ना कि कोई गलत रास्ते से करेंगे, और आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये तो मैंने आपको जो मुख्य बात थी वो बात कह दी है। एक बात इसमें ये भी ऐड कर देना चाहता हूँ कि आपके आसपास इर्द गिर्द कहीं भी किसी भी जगह पर पीपल का वृक्ष, पीपल का पेड़ हो तो उसको जल जरूर चढ़ाए दोस्तों, क्योंकि उसे जल चढ़ाने से भी कई सारे जो ग्रह दोष है वो हमके समाप्त होते हैं। शुक्रवार और रविवार 2 दिन नहीं चढ़ाना है हमें, बाकी आप अन्य दिन तांबे के लोटे में जल भर के ले जाएं और पीपल को अर्पण करें, क्योंकि दोस्तों पीपल जो है वो देवगुरु बृहस्पति और हिंदू जो हमारे सबसे पूजनीय वृक्ष वही है, तो उसकी सेवा आप जितनी करेंगे उतना भी आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। ये वो बातें बता रहा हूँ कि जो सब उपायों से भारी है, जो बिल्कुल फ्री में है और सामान्य आप ये कर सकते हैं। तो अब अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट्स में अपनी राय जरूर छोड़ के जाएं। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।